फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर हम तैयार करेंगे एक ऑल इन ऑल वेजिटेबल कटर। तो चलिए बिना देरी करके इस कटर को तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटा सा स्टैंड तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने इस तरीके से एक छोटा सा स्टैंड तैयार कर लिया। अब हमने इसके ऊपर एक 5 वोल्ट का गियर मोटर बिठा लेंगे हॉट ग्लू की मदद से। तो देखिए, इससे हमने अच्छी तरीके से सेटिंग कर लिया। एक ब्लेड इसके बाद सेटिंग कर लेंगे। पहले ब्लेड को बीच में से हम तोड़ देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हॉट ग्लू की मदद से अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। तो अभी हमने इस ब्लेड को इस गियर मोटर के साथ सेटिंग कर लेंगे। तो पहले हमने होल करके रखा था, तो देखिए अच्छी तरीके से हमने सेटिंग कर लिया। अब हमने इसके ऊपर इंस्टेंट ग्लू देके अच्छी तरीके से सेटिंग कर लेंगे। तो अभी हमने एक मोबाइल का बैटरी ले लिया इस 5 वोल्ट गियर मोटर को पावर देने के लिए। अभी हमने मोटर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेक कर लेंगे, नहीं तो ये हमारा रोटर सीधा तरफ नहीं घूमेंगे। तो ये हमारा उल्टा घूम रहा है, तो इसके लिए ये हमारा ऊपर वाला नेगेटिव एंड नीचे वाला पॉजिटिव, देखिए इस तरफ घूमना है। हमने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर लिया। अब हमने एक स्विच का यूज़ करेंगे इसको ऑन अप करने के लिए। स्विच का हमने डबल टैप की मदद से ये बिठा लेंगे और इसको हमें स्विच के साथ कनेक्ट कर लेंगे। फिर देखो, हमने कुछ मिर्च ले लिया, तो पहले से ऑन करते हैं और उसे टेस्ट करके देखते कैसे काम करता है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। चलिए आप इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है। फ्रेंड देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आपको जो हाथ सावधानी से रखना पड़ेगा, नहीं तो इसे हाथ आप काट सकते हैं। फिर स्पीड ज़्यादा या कम करने के लिए साथ में एक स्पीड कंट्रोलर लगा सकते हो। तो चलिए और कुछ काट के देखते हैं कैसे काम कर रहा है। हमने और दो ले लिया। देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो हमारा 5 वोल्ट का मोटर है, इसके अंदर गियर लगा है, इसलिए ये इतना पावरफुल। तो हम और कुछ काट के दिखा दें। देखिए बहुत ही कम समय में इतने अच्छे तरीके से काट दिया।
फ्रेंड्स हमारा ये जो कटिंग मशीन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ में वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।